हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका। स्वागत है आप सबका प्रियंकाज पेंटिंग में। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी मेरी पेंटिंग जो मैंने खुद से हाथ से बनाई है। और आप देख भी सकते हो पीछे जो बुद्धा बना है वो मैंने खुद से बनाया है, और पीछे एक दुल्हन है वो भी मैंने खुद से ही बनाया है, और यहाँ भी एक दुल्हन है वो भी मैंने खुद से बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ, और मेरे पास और भी पेंटिंग्स पड़े हुए, तो मैं वो भी दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या बनाया है मैंने। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मधुबनी पेंटिंग जो होता है इसमें फिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा खराब हो गया ये भी फिस ही है, पर इसमें डिजाइन अलग है। ये कंप्लीट नहीं है, ये राधा कृष्ण कंप्लीट नहीं है, पर ड्रॉइंग मैंने कर लिया है कंप्लीट। इसमें कलरिंग बाकी है, कलरिंग करना है। मैंने सबसे पहला जो मैंने पेंटिंग बनाया था, ये मेरा फर्स्ट मधुबनी पेंटिंग है। आई होप कि सभी का यही है। लोटस का जो फ्लावर है इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है मधुबनी पेंटिंग में। तो ये वाला भी सबने बनाया हुआ था, पेंटिंग मेरा यही है। कचनी का वर्क मैंने पूरा किया हुआ है, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पहले पेंटिंग्स हैं। मतलब जब मैंने पहली बार शुरू किया था, क्या मतलब क्या गजनी होता है, क्या भरनी होता है, अब तो पूरी बनाई थी जैसे कि कुछ लगा हुआ मैंने दिखाया पहले। ये वाला पेंटिंग पूरा इसमें नहीं, इस वीडियो में नहीं दिख रहा, तो मैंने जो मेरी जो पहली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने दिखाया है, तो आप देख सकते हो वहाँ। ये भी मैंने बनाया है दुर्गा माता जी, और ये भी फिस है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि मधुबनी पेंटिंग में जो फेस होता है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। फेस का ये कचरी वर्क है, ये भी कचरी वर्क ही है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे आप चाहते हो कि किस टाइप की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूरा बना करके वीडियो डालूं कि कैसे डालूं। तो आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।